आपका? मुस्तफा। कहाँ से आए हो आप? हरिपुर से। ठंड नहीं लग रही? डर नहीं लग रहा बारिश से? खान साहब से कितना प्यार करते हो आप? बहुत ज्यादा। बच्चा तो खुद आया, मैं तो उसको घर छोड़ के आ रहा था, खुद आ गया। कहते हैं मैंने जाना है, लाजमी जाना है, खान साहब ने बुलाया है, F9 पार पहुंचना है तो पहुंच आएंगे। जज्बा हमारा ये है कि कायद आजम के बाद हमें पाकिस्तानी कौम को इमरान खान की सूरत में एक लीडर मिला है और उसके लिए हम सारी पूरी कौम उसके साथ खड़ी है। और इमरान खान साहब के लिए मैंने एक नज़म लिखी थी, वो अगर आप कहें तो मैं सुना देता हूँ। कायद आजम हमारे लीडर थे और आज लीडर इमरान है। कायद आजम हमारे लीडर थे और आज लीडर इमरान है। ये वो लीडर है जो 22 करोड़ पाकिस्तानियों की जान है, जिसने हमेशा अपनी कौम को दिया खुददारी का दर्स, इसलिए पूरी कौम इसे चाहती है और ये पूरी कौम की शान है। खुददारी के बगैर कौमें आगे जा नहीं सकती और अजीम लीडर के बगैर कौमें आगे जा नहीं सकती, इसलिए पूरी कौम से कहता हूँ मैं, सब हाथों में हाथ दो और सब मिलके इमरान खान का साथ दो। जो इमरान खान का साथ देंगे हम, तो तकदीर हमारी बदल जाएगी और 22 करोड़ पाकिस्तानियों की ज़िंदगी संवर जाएगी। और एक और लिखी थी कि साड़ी जिंद साड़ी जान इमरान खान इमरान खान, साड़ी जिंद साड़ी जान इमरान खान इमरान खान, जिन्हें पाकिस्तान का ना उच्चा किया विच क्रिकेट दे मैदान, साड़ी जिंद साड़ी जान इमरान खान इमरान खान। फिर गरीबा लिए कैंसर हॉस्पिटल बनाया तो बन गया गरीबा का मान, साड़ी जिंद साड़ी जान इमरान खान इमरान खान। फिर गरीबा ने दर्द ने इनू सताया तो बन गया सियासतदान, साड़ी जिंद साड़ी जान इमरान खान इमरान खान। सारे चोर चक्के कट्ठे हो गए जदों सियासत विच आया खान, साड़ी जिंद साड़ी जान इमरान खान इमरान खान। सारे चोर कट्ठे तो बैरूनी ताकत भी इन्होंने नाल, पर नहीं छड़ेगा इन्हों खान, साड़ी जिंद साड़ी जान इमरान खान इमरान खान। जिन्हें कर लिया पक्का इरादा पाकिस्तान नू इन्हां चोरां तों छुड़ाना है ते पाकिस्तान नू कायद आजम दा, इस मुल्क नू कायद आजम दा पाकिस्तान बनाना है, और कोई नहीं होया साडा खान, साड़ी जिंद साड़ी जान इमरान खान इमरान खान। तो मेरा राणा सुनाला को आपके चैनल के वसूल से ये पैगाम है कि अगर ये आंधी हमें नहीं रोक सकती, ये बारिश हमें नहीं रोक सकती, तुम्हारे 25 तारीख वाले शैल हमें नहीं रोक सके, तो इंशाल्लाह आने वाली हुकूमत खान साहब की है। 2/3 मेजोरिटी के साथ खान साहब आ रहे हैं, अवाम के मैंडेट से अवाम के वोट से इंशाल्लाह उठा के तुम्हें हम लोग असम्बली से बाहर फेंकेंगे। 5,000 रुपये का स्वीट रूम में तुम लोग रह रहे हो, जहाँ पर तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि मुल्क के हालात क्या हैं, सैलाब जदगान में के क्या हालात हैं, लोगों के पास अशिया खुर्द नोश खाने के लिए नहीं है, लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, टेंट्स नहीं है। अरे तुमने कौन सा बरमूदा ट्रायंगल बनाया हुआ वहां पे बिलावल जरदारी के, जो वहां से ट्रकों के ट्रक हाइप हो रहे हैं। अरे तुम कितना खाओगे, तुम कितने नोट गिनोगे, तुम तो ख्वाब में भी नोट गिनते हो, तुम लोग तो अक्वामे मुत्तहिदा में जाकर थूक लगाते हो, वहां पर लोगों को पता चले कि हमारा यही काम है। मेरी आपसे यह गुजारिश है, ए इंपॉर्टेंट हुकूमत, तुम होश के नाखून लो, अवाम इमरान खान के साथ खड़ी थी, खड़ी है और इंशाल्लाह खड़ी रहेगी, और उठा के तुम्हें हम लोग बाहर फेंकेंगे असेंबली से, ये वक्त देखेगा और इंशाल्लाह हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ठीक है। और गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या जो घुटनों में के बल गिरे, तुम लोगों ने जिस तरह से खान साहब को गिराया है दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। खान साहब ने आज तुम्हें मशरूत पेशकश की है ना कि आओ असेंबली में हम वापस आते हैं, तो जो खान साहब की एक शर्त उन्होंने रखी है वो मान लो ना, आप साइफर की तहकीकात करवा लें। साइफर की तहकीकात आप क्यों नहीं करवाएंगे? इस वजह से नहीं करवाएंगे कि आपकी हुकूमत चली जाएगी, साइफर की तहकीकात आप कभी भी नहीं करवाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि खान साहब असेंबली में आए तो तहकीकात करवाएं आप। जी देखिए, उनकी तो तैयारी हमेशा होती है, लेकिन ये खान साहब है ना, ये लीडर है, जब इन्होंने हमेशा देखा कि अवाम और इदारों का अगर आपस में जो है तसादुम हो रहा है तो खान साहब अपनी कॉल वापस ले लेते हैं। 26 किलोमीटर के बेताज बादशाह हो तुम, तुम्हारी क्या बात है भाई, तो तुम अब लोगों से सुबह से तुम अब मांग रहे हो, तो ये तुम्हें उस टाइम होश नहीं है जब तुम्हारे सूबों की हुकूमत जा रही थी कि तुम इतनी कारकर्दगी करो तो तुम्हारी सुबह में ये हुकूमत रहे। ये 26 किलोमीटर भी इंशाल्लाह तुम्हारे पास नहीं रहेगा, बहुत जल्द वी आर बैक, साथ हैं और उनके साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इमरान खान जीतेंगे और उनका साथ देंगे आखिरी दम तक, और क्या कहते हैं हम तूफान हो जो भी हो जो कुछ भी हो हम लोग उसमें आएंगे, हमें तूफान से हम डरने वाले नहीं है। का वाक्या हुआ था, हाँ जी, दोबारा घबरा तो नहीं रहे, 30,000 फिर सिक्योरिटी मांगी है उसने राना। नहीं, हम किसी तूफान से नहीं डरते, किसी उससे नहीं डरते, तो राणा सुनावला जो कुछ भी कर ले हम बिल्कुल नहीं डरेंगे।
तो बस। अच्छा, तो खान साहब ने आज क्या है कि अमरीकी जो खत आया था उसकी तहकीकात कराते हैं तो वापस असम्बली में उस शर्त पर चले जाते हैं, वापस जाना चाहिए उन्हें? नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? बस वो नहीं, सही नहीं है। बिलावल नहीं है, कराची से धरना शुरू किया था, इमरान खान ने उसको कुछ नहीं बोले, न रास्ते बंद किए, कुछ भी नहीं किए। और जिस जब 25 को इसने हमारे ऊपर जुलम किया था ना, इंशाल्लाह भी इसका जुलम नहीं चलेगा, हमने बंदोबस्त किए हुए, सही है। महंगाई मार्च में इन लोगों ने हमको रलाया है, सही है। मैं खुदा नहीं कसम उठाता हूँ, लाला मोहम्मद रसूल है, जिस टाइम मैं घर से रहा था हमारे घर में अठा भी नहीं था। इस तरह हुकूमत आए, बंदा क्या करे, बंदा क्या कहे, मुझे ये बताओ। हम घास कहेगा, घास काट के कहेगा, इतना महंगाइया हुआ है, हमारे घर में आटा चीनी कुछ भी नहीं था, हम क्या करें, किधर जाए? दिहाड़ी कमाता है, सही है, वो पेट्रोल में लग जाते हैं, थोड़ा सा घर दूर है उधर पेट्रोल डाल के रात को चोरी करते हैं, सही है, दिन को पेट्रोल महंगा नहीं करते, सही है। ये आवाम के साथ अभी जुलम कर रहे हैं, पाकिस्तान को लूट रहे, जिस तरह उनको वही लूट रहे, सही है। अब ये लूटने शुरू हो गया, इमरान खान ने बताया 25 मई को आपने जो पिछला 25 मई को शिलिंग किया था, अभी इस टाइम आपका शिलिंग नहीं चलेगा, इंशाल्लाह हमने पेशावर से इसका शिलिंग का मुकाबला करके लाएगा, इंशाल्लाह देखना 25 मई को आप मेरे साथ मिलेगा, सही है। ये चोर है, ये चैनल भी बंद करते, हर चीज़ करते, ये सही है। हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं, आप हमारा आवाज़ उठाते हो, शुक्रिया।